आई मास्क बनाने के लिए सबसे पहले हम ले लेंगे क्वीन शीट, इसमें से स्ट्रिप कट कर लेंगे जिसका साइज है 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम 8 सेंटीमीटर का पॉइंट लगा लेंगे। सेम साइज हमें व्हाइट शीट में से भी लेना है, सो व्हाइट शीट भी साथ में इसके कट कर लेंगे। तो अब इन दोनों स्ट्रिप्स को हम ज्वाइन कर लेंगे। नेक्स्ट अब इसको हम ऐसे हाफ फोल्ड कर लेंगे। अब हम इस पे बनाएंगे बटरफ्लाई का वी। इस तरीके से हमने एक बटरफ्लाई का लुक दे दिया इसको। अब हम बनाएंगे आईज। जब हम आईज बनाएंगे तो एक चीज का ध्यान रहे, यहाँ पे हमारा गैप थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। ये नहीं कि आप आईज इतनी ऊपर बना दो और यहाँ पे हमारा स्पेस कम हो। हमारा हमें जो आईज बनानी है वो सेंटर में बनानी है। अब इसको कट कर लेंगे। तरीके का दिखेगा ये। अब हमें कट करनी है इसकी आईज। सो आईज कट करने का तरीका, आपको इसको हल्का सा ऐसे फोल्ड करना है और यहाँ पे आईज के सेंटर में एक कट लगाना है इस तरीके से। अब इसको कट कर देंगे। अब हमें सेम सेकंड साइड भी बनानी है, तो हम इसको ऐसे रखेंगे और हम ड्रॉ कर लेंगे सेकंड आईज को। सो सेकंड आईज भी इसी सेम तरीके से कट कर लेंगे। अब बेस तो हमारा कट हो गया है। नेक्स्ट अब हम ऑरेंज शीट लेंगे एंड इस पे हम लीव ड्रॉ करेंगे। सो पहले हम एक रफ लीव ड्रॉ कर लेते हैं, उसके लिए हमने हल्का सा इसको फोल्ड किया। अब हम इस पे लीफ की ड्राइंग करेंगे। तो हाफ शीट पे हमने ऐसे बना लिया, इसको हम कट कर लेंगे।
हमारी वन लीफ बन गई है। अब हमें इसी तरीके से बाकी लीव्स भी कट करनी है। अब आपने जो पहली लीव ड्रॉ की है उसको हम इसके ऊपर रख के ड्रॉ कर लेंगे। इस तरीके से हमें 11 लीव्स कट करनी है। अब हम इसको पेस्ट करेंगे इसके ऊपर। उस पेस्ट करने से पहले हम इनका पेयर बना लेंगे। 2 पेयर्स बनाने हैं हमें 4-4 के, एंड 1 पेयर बनाना है। इसको हम इसके ऊपर पेस्ट कर लेंगे। इस तरीके से हम ऊपर ये लीव्स को पेस्ट कर देंगे कि एक फेदर का लुक लगेगा। फिर अब इसको डेकोरेट करेंगे। उसके लिए हम लेंगे फॉइल पेपर। अब हम फॉइल पेपर में से कुछ स्ट्रिप्स कट कर लेंगे। 1/2 इंच के अकॉर्डिंग हमें स्ट्रिप्स कट करनी है पतली पतली। इस तरीके से हमने 2 और स्ट्रिप्स कट की हुई है। अब हम इसको इसके ऊपर पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने का तरीका क्या है कि जो हमारा शाइनिंग वाली साइड है वो ऊपर आएगा। इसमें 2 साइड्स होती है, एक थोड़ा डल होता है, एक होता है शाइनिंग साइड, तो वो वाली साइड ऊपर की तरफ आएगी। उसके लिए सबसे पहले हम इधर से फेविकोल लगा के इसके ऊपर पेस्ट करेंगे। अब हमें पेस्ट कैसे करना है, इसको पहले एक एंड को हमने ऐसे रखा। अब इसको हल्का सा ऐसे फोल्ड करेंगे, तो स्क्वीज करते हैं ना।
ऐसे इसको मोड़ मोड़ के यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, बिल्कुल जो हमारे जो आईज का पोर्शन है उसके चारों तरफ। सेम इसी तरीके से हमें दूसरी आईज पे भी पेस्ट करना है। इस तरीके से हमको ये पेस्ट करना है। सो नेक्स्ट अब हम लेंगे ग्लिटर शीट, इसमें से भी हम स्ट्रिप्स कट कर लेंगे। अब हम इसको इसके ऊपर पेस्ट कर लेंगे। ड्राई होने के लिए छोड़ देते हैं, तब तक हम इसकी स्टिक रेडी कर लेते हैं। उसके लिए लेंगे हम ओरिगेमी शीट एंड एक झाड़ू की तिल्ली। सो अब इसमें से हम एक स्ट्रिप्स कट कर लेंगे। अब
स्ट्रिप को हम रैप करेंगे झाड़ू के तिल्ले के, तो हम इस तरीके से इसको हल्का सा ऐसे प्रेस कर दिया पहले, पेस्ट कर देंगे वन साइड से, देन इसको इस पर रोल कर देंगे। इस तरीके से हम रोल करते जाएंगे इसको। अब हम इस स्टिक को मास्क के पीछे पेस्ट कर देंगे राइट साइड में। अब ये वाली शीट हम इसके बराबर कट करके पेस्ट कर देंगे इसके पीछे। अब हम इसमें कुछ स्टोन्स ले लेंगे ब्लू कलर के और इसके यहाँ पे इसे डेकोरेट कर देंगे। अवर ट्राई कलर आई मास्क इज रेडी। तो हम जैसे हमने यहाँ पे स्टोन्स लगाए हैं, आप बिंदियाँ भी लगा सकती हैं।